तो जैसा कि हमने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड प्लस इनकम रिसीव्ड फॉर दैट स्पेसिफिक फंड, मतलब आपको कितनी इनकम रिसीव हुई है उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, और उसमें से हम माइनस करते थे बेटा एक्सपेंसेस। अगर आंसर पॉजिटिव आता था हम उसे कहां शो करते थे? लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। बट बेटा अगर आंसर नेगेटिव आया हम उसे कहां शो करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड। पहले बताओ ये सब लोग को याद है बाकी बच्चे? ओके, सो द पॉइंट इज, अब ध्यान से सुनना, हमने ये कि लाइबिलिटी साइड कैसे प्रेजेंट करते हैं उसका हमने बेटा प्रेजेंटेशन जो था वो प्रेजेंटेशन देख लिया था। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से ये था, प्रेजेंटेशन ये था। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आया बेटा तो उस नेगेटिव आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे अब हमें वो समझना है, ठीक है? तो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ना इस मतलब ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को कंसीडर करेंगे बेटा। अगर आप नोटिस करो तो प्राइस फंड कितना वैल्यू गिवन है? प्राइस फंड कितना वैल्यू बेटा? राइट। इसके अलावा प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट गिवन है जो बेसिकली एसेट साइड शो होगा। दूसरी चीज आपको इनकम गिवन है 8,000 रुपीज और प्राइस अवॉर्डेड गिवन है। सपोज करो मैं यहां पर प्राइस अवॉर्डेड की वैल्यू को चेंज कर दूं, प्राइस अवॉर्डेड की वैल्यू को चेंज करके कितना कर दूं बेटा? कितना कर दूं बेटा? 90,000। आपको ये समझना है कि अगर हमने इस प्राइस अवॉर्डेड की वैल्यू को चेंज किया, लेट से कितना कर दिया? 90,000 कर दिया, तो अब हमारी कैलकुलेशन कैसे शो होगी? देखो बेटा अगर मैं इसकी कैलकुलेशन देखूं तो ओपनिंग बैलेंस फंड का कितना है बेटा? ठीक है। अच्छा उसमें बेटा हम ऐड करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितनी ऐड, कितना इनकम ऐड होगा बेटा? 8,000। अब प्राइस अवॉर्डेड सिंस एक्सपेंस होता है उसी फंड से रिलेटेड तो हम उसे माइनस करते हैं, तो बेटा प्राइस फंड कितना माइनस होगा? अगर मैं इसके टोटलिंग करूं बेटा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2,000। 2,000 कितना आएगा नेगेटिव का आंसर? 2,000। हम इसे शो कहां करेंगे बेटा? करेक्ट। पहले बताओ ये सब बच्चों को समझ में आया? आया चैतन्य, गुंजन, रुको 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 रुको, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो बताऊंगा अभी। क्या किसी ने कुछ पूछा? प्रेरित क्या पूछ रहा बेटा? बेटा इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है ना, हम उसे सेपरेटली एसेट साइड शो करेंगे, ठीक है? पाठक इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा इसके अलावा बेटा माही, मारव, सैनी, गुलाटी, सार्थक, सौरभ, शांभवी, समझ में आ गया? ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंस आंसर कम्स नेगेटिव सो हाउ विल वी प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट एज वेल एज इन एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से देखना जरा, हमारी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? उससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आज तक आप लोग ने क्लास 11 से लेकर के आज तक जितनी भी अकाउंट्स पढ़ी है क्या कभी बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी नेगेटिव हुई है? कभी नहीं हुई, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज कि आप बैलेंस शीट को जीरो प्रेजेंट कर सकते हो, बट क्या आप कभी भी बैलेंस शीट को नेगेटिव प्रेजेंट कर सकते हो? नो सर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा,
हमारे पास प्राइस फंड यानी प्राइस फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ था, 80,000 पड़ा हुआ था। हमें उससे रिलेटेड इनकम कितनी रिसीव हुई थी, 8,000 रिसीव हुई थी। लेकिन हमने एक्सपेंस कितना किया था बेटा, प्राइस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस कितना किया था बेटा, 90,000। बट अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास पैसा पड़ा है टोटल 88,000 रुपीस। बच्चा लो मैं बैलेंस शीट में से यानी लाइबिलिटी साइड सिर्फ और सिर्फ कितना अमाउंट माइनस कर सकता हूं, जितना मेरे पास इनकम अवेलेबल है। और वो जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपए का खर्चा हुआ वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस, यानी हम उसे शो करते हैं एक्सपेंडिचर साइड। सो सपोज करो, अब मैं यहां पर ना एग्जांपल को चेंज करके आपको बताता हूं। सपोज करो प्राइस फंड गिवन है, हमारे पास 80,000 रुपीस, हमें इनकम रिसीव हुई प्राइस फंड से रिलेटेड, इनकम ऑन प्राइस फंड लेट्स से 8,000 रुपीस। बट आवर प्राइस एक्सपेंसेस इज 90,000 रुपीस। तो बेटा हमें इसकी प्रेजेंटेशन दो जगह करनी होगी, एक बार बैलेंस शीट में और एक बार एक और अकाउंट बनेगा उसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसकी प्रेजेंटेशन बच्चे बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड हो गया, ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा एसेट का कॉलम हो गया, एंड देन लास्ट एसेट के अमाउंट का कॉलम हो गया। We have a price fund of 80,000 rupees. हमें उससे रिलेटेड इनकम रिसीव हुई 8,000 रुपीज। तो एक बात बताओ बेटा, प्राइस फंड में मेरे पास टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, ओके 88,000। तो बेटा मैं प्राइस एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ कितना माइनस कर सकता हूं, मैक्सिमम 88,000 रुपीज। सो दैट मेरा बैलेंस शीट क्या शो करेगा बेटा, अमाउंट लाइबिलिटी साइड क्या शो करूंगा बेटा, नल, मतलब कुछ नहीं बचा लाइबिलिटी में, मतलब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। और वो जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए बेटा वो मेरे लिए एक्सपेंस हुए। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो बेटा एक फॉर्मेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जिसमें डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड इनकम आता है, और वहां पर हम एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे मैच एक्सपेंस। कितने रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ बेटा हमारा, 2,000। पहले बताओ ये प्रेजेंटेशन आप लोग को समझ में आई, सारे बच्चे बताएं क्या चीज स्प्रेड है। हाँ देखो प्रेड, देखो प्राइस एक्सपेंस हमारा 90,000 था ना बेटा, सुन तो ले बच्चे, प्राइस एक्सपेंस हमारे पास कितना था, 90,000 था। बट हमारे पास टोटल इनकम कितनी अवेलेबल थी, 88,000 रुपीस अवेलेबल थी। दैट मींस अगर मैं ध्यान से देखूं तो 88,000 माइनस 90,000, मेरा आंसर नेगेटिव का 2,000 आ रहा है। तो दैट मींस मेरा 2,000 रुपए का क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, जिसको मैंने एक्सपेंडिचर साइड शो किया। लेकिन जब आप लाइबिलिटी साइड इसकी प्रेजेंटेशन करोगे बेटा, तो ना आप प्राइस एक्सपेंस उतना ही माइनस कर सकते हो मैक्सिमम, जितना आपके पास फंड में अमाउंट होगा। इसीलिए हमने 90 नहीं माइनस किया, हमारे पास सिर्फ प्राइस फंड में 80,000 था और इससे रिलेटेड इनकम 8,000 थी। तो टोटल पैसा कितना था, 88 था। तो मैं मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता हूँ एक्सपेंस को, 88 माइनस कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए तो वो कहाँ शो होगा, एक्सपेंडिचर साइड। समझ में आया प्रेरित, अच्छा बाकी बच्चों समझ में आया, भारत क्लियर है, ऋषभ सार्थक चड्डा सौरभ रजत माही
ही क्लियर है पाठक? चैतन्य अलाया क्या चीज लिख पाठक, तो फिर से पूछना बेटे। हाँ हमारे पास तो कुछ इनकम सही नहीं ना, मतलब अलग से फंड से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल इनकम तो सही नहीं ना। अच्छा अब सिमिलरली बेटा अगर आप लोग को ये चीज समझ में आई, ठीक है अगर ये चीज समझ में आई तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड बेटा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले बेटा मैच फंड कितना हमारे पास अवेलेबल है? राइट देखो मैच फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन मिला है, हम उसे क्या करेंगे ऐड करेंगे। सिमिलरली हमने मैच टिकट्स को सेल किया, पैसा आएगा या नहीं आएगा बच्चे? एक्सपेंस है। अगर हम मैच टिकट्स को सेल करेंगे इज इट एक्सपेंस और इनकम? इनकम। इसे क्या करेंगे फिर हम, इसे भी ऐड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें बेटा मैच एक्सपेंस हुआ है, मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, तो जरा टोटल करके बताना आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? मतलब कितना कितना 20 नेगेटिव का आंसर आ रहा है राइट। अगर आप अभी बात बताओ आप लोग इसको अपने बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खुद से पोस्ट कर सकते हो बच्चों? सॉल्व कर रहा हूं अब आप लोग चेक करके बताओ कि आप लोग ने भी सेम आंसर प्रेजेंट किया है या आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आया है। बेटा जिस बच्चे का आंसर डिफरेंट आया होगा हम उसको वापस से एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन देख लें अगर, सो कैलकुलेशन इज मैच फंड हमारे पास 24,000 रुपीस है बेटा, उसमें हम ऐड करेंगे डोनेशन और प्रोसीड्स का यानी 40,000 एंड 15,000। सो मैं डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूं 40,000 एंड 15,000 रुपीस। सो आई थिंक ये पॉजिटिव का बन जाएगा बेटा 9,4,2,6,1,79,000 रुपीस। बट इफ यू लुक इनटू आवर एक्सपेंसेस, सो मैच एक्सपेंस कितना है बेटा 1,02,000, आंसर आएगा बेटा माइनस का 23,000 रुपीज। अब हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे जरा वो देखना। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे बच्चों? क्या हमारा लायबिलिटी साइड हो गया, दिस इज आवर अमाउंट कॉलम, एसेट अगेन अमाउंट। देखना बेटा कैसे करना है, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे मैच फंड हमारे पास कितना था 24,000 रुपीस प्लस पहला आई थिंक डोनेशन था देन प्रोसीड था, तो प्लस डोनेशन पूरा लिखना होगा आप लोगों को 40,000 रुपीस प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट दैट इज 15,000 रुपीस। बेटा टोटल इनकम हमारे पास अवेलेबल है 79,000, हम बेटा इसमें से कितना एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम? अगर हमारे पास टोटल फंड में पैसा 79,000 रुपीस है इंक्लूडिंग ऑल इनकम्स, हम टोटल कितना एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं बेटा? ओके वेरी गुड। तो बेटा जो एक्स्ट्रा हमारा 23,000 रुपीस का एक्सपेंस हुआ वो कहां शो होगा? बोला सही है, फिर से बोलना बेटा। क्रेडिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड हम इसे शो करेंगे बेटा मैच एक्सपेंस कितने रुपए का 23,000 रुपीस। सारे बच्चों ने बेटा सेम प्रेजेंटेशन की है, ओके तो सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बेटा। ओके आते हैं बेटा जरा एक अच्छे से क्वेश्चन पे, उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 15th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट उससे पहले एक बार हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनना जरा, स्पेसिफिकली हाँ केस नंबर 1 में बेटा फंड कौन सा है? प्राइस फंड है। मेरा क्वेश्चन क्या है वो बहुत ध्यान से सुनना बेटा और उसका जवाब देना। क्या मैच एक्सपेंस प्राइस फंड से रिलेटेड है?
बेटा चंचल ऐसा क्यों लगा बेटा? करेक्ट, तो ध्यान से सुनना बेटा, प्राइस फंड इज रिलेटेड विद प्राइस, ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, जबकि मैच एक्सपेंस जो होगा वो कौन से फंड से रिलेट हो सकता है बेटा? मैच एक्सपेंस सॉरी मैच फंड से रिलेट हो सकता है। बात समझ में आई सब बच्चों के? ये चीज सबके बाद ये समझ में आई? ठीक, सो द पॉइंट इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस फंड, तो देयर विल बी नो ट्रीटमेंट ऑफ मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस एक नॉर्मल एक्सपेंस होगा जो कि कहां शो हो जाएगा डायरेक्टली? कहां शो होगा बेटा? ओके, एक और क्वेश्चन, केस नंबर टू देखो बेटा, हमारा फंड है मैच का, बट अगर हमारा फंड मैच से रिलेटेड है तो यहां पर प्राइस अवॉर्डेड का कोई लेना देना होगा फिर? सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया तो केस नंबर वन और केस नंबर टू, टोटल मैं आपको दे रहा हूं बेटा 3 मिनट्स टोटल, मुझे जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। करेक्ट, सो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड इज 6 लाख रुपीज, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस में 6 लाख, एंड सिमिलर अमाउंट विल बी पोस्टेड ऑन एसेट साइड 6 लाख रुपीज। तो आपका टोटल अमाउंट हो गया बेटा इधर का 26 लाख रुपीज एंड एसेट साइड में 6 लाख रुपीज। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, ये देखो ना, क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा है यहाँ पे, ये देखो। अरे जैसे नॉर्मल बिजनेस का कैपिटल होता है ना, एनजीओ के केस में यानी एनपीओ के केस में हम उसे कैपिटल के बजाय कैपिटल फंड बोल देते हैं। ठीक, अच्छा केस नंबर टू बेटा, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहली चीज, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन गिवन है, ये क्या है बेटा? एसेट भी है, यानी हम इसे बोलेंगे क्या बेटा? एसेट साइड में हम इसका क्या नाम प्रेजेंट करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है बेटा सेकंड पॉइंट, पवेलियन फंड हमारे पास कितना गिवन है? ठीक है, अच्छा, और कैपिटल फंड हमारे पास कितना है? एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, क्या कैपिटल फंड और पवेलियन फंड बोथ आर सिमिलर थिंग? कैपिटल फंड एंड पवेलियन फंड बोथ आर सिमिलर? नो सर। ओके, सो इसकी प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम यहां पर लाइबिलिटी साइड में, और ये हमारा अमाउंट, ये हमारा एसेट, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो लाइबिलिटी साइड में हम क्या मेंशन करेंगे बेटा? कैपिटल फंड, विच इज गिवन एज आई थिंक 20 लाख रुपीज। ठीक है, हमने कैपिटल फंड लिख दिया 20 लाख। ये जो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन था, तो क्या ये हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस बना? ओके, सो हमने वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया बेटा कितना? 6 लाख रुपीज। सिमिलरली सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड ऑन एसेट साइड विद नेम ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन अमाउंट 6 लाख रुपीज। पहले बताओ यहां तक की प्रेजेंटेशन आप लोग को समझ में आई? रुको 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 रुको, आ रहे वहां पे भी आ रहे, पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया? अलावा हमारे पास एक और फंड गिवन है, क्या नाम है उसका? पवेलियन फंड। ओके, हमने यहां पर उसको लिख दिया बेटा पवेलियन फंड, हमारे पास गिवन है 10 लाख रुपीज का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर था रिलेटेड विद पवेलियन, तो क्या इस अमाउंट को
पवेलियन फंड से माइनस करना चाहिए? मतलब ध्यान से समझना बेटा, फिर से, हमारे पास पवेलियन प्रिपेयर यानी पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपए हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस होगा तो क्या उस एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे बेटा पवेलियन फंड से? सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? मतलब ये बेटा कि इन केस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन केस अगर हमारे पास पवेलियन फंड नहीं होता, अगर हमारे पास पवेलियन फंड नहीं होता तब तो हमारी नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती यहां से लेकर के यहां तक की, बट सिंस हमारे पास पवेलियन फंड भी गिवन है तो हम उसके नॉर्मल फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी करेंगे। अब बताओ सारे बच्चों को समझ में आई बात?